ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं की कीमतों में कटौती की। छत्तीसगढ़ में कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था फिर से शुरू। कर्नाटक में बंधक बनाए गए बस्तर जिले के 13 मजदूरों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाया गया। और मानसून समय से पहले केरल में दे सकता है दस्तक, 31 मई को पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं की कीमतों में कटौती की है। इसमें मधुमेह, हृदय और लीवर की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में आवश्यक दवाओं को सुलभ बनाने के लिए निर्णय लिया गया। बैठक में फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे विभिन्न दवाओं की कम कीमत की जानकारी तत्काल प्रभाव से डीलरों और थोक वितरकों को दे दें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल मोर्चे पर मिली अब तक की सफलता पर छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद बीते 4.5 महीने में 112 माओवादी मारे गए हैं। वहीं लगभग 375 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा 153 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। गृहमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी श्री शाह का आभार जताया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार के कुशल मार्गदर्शन में हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था फिर से शुरू हो गई है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि अब कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन में कोई भी गड़बड़ी और घोटाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज अरपा नदी के संरक्षण पर लगाई गई विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन बिलासपुर और गौरेला पिंडरा मारवाही को 26 जून को अरपा नदी के उद्गम और संरक्षण का एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट के निर्देश पर अरपा रिवाइवल कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गौरतलब है कि अरपा उद्गम बचाव संघर्ष समिति पेंड्रा की ओर से संरक्षक राम निवास तिवारी, बिलासपुर के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ल, सोमनाथ यादव और अक्षय नामदेव ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर की थीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के चिकित्सक और छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक जनजागरूकता के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इस संबंध में सहमति आज फाउंडेशन के पदाधिकारियों की एम्स के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल से मुलाकात के दौरान बनी। फाउंडेशन ने एम्स के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर लगाने के साथ ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल श्री जिंदल ने बताया कि एम्स में पूर्व सैनिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस तरीके से प्रदान की जा रही हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में बंधक बनाए गए बस्तर जिले के 19 में से 13 मजदूरों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते जनवरी महीने में दरभा ब्लॉक के कोलेंग, कच्छीरास और मुड्डागढ़ के रहने वाले 19 मजदूरों को अधिक पैसों का लालच देकर एजेंट ने कर्नाटक और तेलंगाना भेज दिया था। आरोप है कि 4 महीने के बाद मजदूरों को उनके परिजनों से बात करने के लिए मना कर दिया गया और उन्हें बंधक बनाकर जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इस मामले की शिकायत दरभा के सरपंच ने पुलिस से की, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा 4 सदस्यों की टीम गठित कर उन्हें कर्नाटक और तेलंगाना भेजा गया। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले से 13 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया है। बताया जाता है कि तेलंगाना के हैदराबाद में अभी भी 6 मजदूर बंधक हैं, उन्हें जल्द वापस लाने की तैयारी की जा रही है। नारायणपुर में परिवहन संघ के सचिव और कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आज पुलिस ने बताया कि विक्रम बैस की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों से पुलिस ने हथियार समेत 2 पहिया वाहन और मोबाइल फोन जब्त किया है। इस मामले में नारायणपुर, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच के दौरान एक संदिग्ध का पता चला। उससे पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि नारायणपुर जिले के बखरूपारा में बीते 13 मई को विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार कस्टम मिलिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। उसे आज पीएमएलए विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा गया है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू बीमारी के लक्षण और बचाव के उपाय के लिए जन जागरूकता लाने प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के लोगों को डेंगू बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डेंगू बीमारी के लक्षण और बचाव के बारे में बैनर पोस्टर से जन जागरूकता रथ को सजाया गया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर आज जगदलपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों से डेंगू मलेरिया से बचाव और उपचार के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम द्वारा इस वर्ष की राज्य पात्रता परीक्षा के लिए 13 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल पर 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 से 12 जून तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। राज्य पात्रता परीक्षा 21 जुलाई को संभावित है। इस परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोरबा जिले के पाली उप वनमंडल के चेतमा रेंज में एक तेंदुए का शिकार करने का मामला सामने आया है। वन विभाग के अनुसार तेंदुए के शरीर से खाल के कुछ हिस्सों के साथ ही नाखून, दांत और पूंछ गायब पाए गए। वन विभाग के अधिकारी जंगल के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर तेंदुए का शिकार किया गया। साथ ही रायपुर से सर्चिंग डॉग की टीम को भी बुला दिया गया है। वहीं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के औंधी थाना क्षेत्र के हाले पायली गांव में तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक युवक पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजन को 25,000 रूपये की राहत राशि प्रदान की है। आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे की रकम के आदान प्रदान के लिए दूसरे के नाम पर बैंक खाता खुलवाने वाले 3 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की विवेचना में पता चला है कि आरोपियों ने अब तक लगभग 150 से अधिक बैंक खाते खुलवाए हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अब तक इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके पास से 12 लैपटॉप, 60 मोबाइल, 32 पासबुक, 5 चेकबुक और 34 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। सक्ती जिले के बंधन बैंक में फर्जीवाड़ा करने वाले कैशियर के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कैशियर ने जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बीमा क्लेम किया था। इसके साथ ही 1.5 लाख रूपये का भी गबन किया था। कैशियर की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में चनवारी ढांड के वन काष्ठागार के पीछे आज एक पत्रकार का शव मिला। मिली जानकारी के अनुसार यह पत्रकार अपनी पत्नी के साथ चनवारी ढांड में किराए के मकान में रह रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 31 मई को पहुंचने की संभावना है। आमतौर पर केरल में मानसून जून के पहले सप्ताह में पहुंचता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इस बार देश में मानसून की निर्धारित तिथि के पहले पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या फिर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ बिहार के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं की कीमतों में कटौती की। छत्तीसगढ़ में कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था फिर से शुरू। कर्नाटक में बंधक बनाए गए बस्तर जिले के 13 मजदूरों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाया गया। और मानसून समय से पहले केरल में दे सकता है दस्तक। 31 मई को पहुंचने की संभावना।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।